ऐसा पनीर आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा, तो आज हम देखने वाले हैं ढूंगर पनीर की रेसिपी। सबसे पहले इन्होंने ऑयल डाल दिया, उसमें जीरा डाल दिया है और थोड़ा गार्लिक, और अब डाल दिए ग्रीन चिलीज, और अब थोड़ा सा इन्हें सोते किया जाएगा। अब डाल दिए इसमें देगी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और अब इसमें डाल दिए काजू और मगज की ग्रेवी। अब इसमें जा रही है टोमेटो ग्रेवी, और ये इसमें डाल दिया छोक मसाला। तो ग्रेवी तो इनकी बहुत टेस्टी होने वाली है, आप सोच सकते हैं इसमें काजू की ग्रेवी डली है और थोड़ा टोमेटो ग्रेवी डली है, छोक मसाला डाला है, तो सोच सकते हो आप कितनी टेस्टी होने वाली है इसकी ग्रेवी। अब इसमें डाला है थोड़ा सा सॉल्ट, किचन किंग मसाला, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, जीरा पाउडर और थोड़ा रेड चिली पाउडर। और अब ये इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें आप डाल दिए कैरमेलाइज्ड अनियन। अगर आप अपने घर पे भी बनाना चाहते हो तो इजीली बना सकते हो, क्योंकि पूरी रेसिपी मैंने समझा दी है। अब इसमें थोड़ा बटर डाल दिया है और थोड़ी सी अमूल क्रीम। अब ये इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें डाल दिया है थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा सॉल्ट, इसके ऊपर से जिंजर डाला है, और ग्रेवी हमारी पूरी तरह से पक चुकी है। अब इसमें जा रहा है पनीर टिक्का, तो पनीर के जो पीसेस हैं उन्हें और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, ताकि अच्छे से ग्रेवी उनके अंदर जाए, कोई भी पीस अंदर से ऐसा ना रह जाए कि उसमें टेस्ट ना हो। तो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी इसकी ग्रेवी, और एक एक पीस में टेस्ट आएगा ग्रेवी का। और इसको और टेस्टी बनाने के लिए इसमें डाला जा रहा है देसी घी, मतलब इतनी रिच ग्रेवी के होने के बावजूद इसमें देसी घी डाला जा रहा है, मतलब इसको और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए, मतलब इससे ज्यादा टेस्टी पनीर की रेसिपी आपने सच में नहीं खाई। तो मेन पार्ट इस वीडियो का, तो यहाँ ढूंगर की तैयारी हो रही है। सबसे पहले कोयला रख दिया है और उसके ऊपर रेड चिली रख दी है, ऊपर से डाल रहे हैं ये देसी घी, तो मतलब अब देखो इसमें कितना टेस्ट आने वाला है। और अब ये इन्होंने इसको ढक दिया है ताकि इसकी जो एरोमा है वो अंदर जाए पनीर के, और जब हम इसको पनीर को खाएं तो इसमें एक स्मोकी सा फ्लेवर आए। 5 मिनट से ज्यादा इसको हो चुके हैं, तो अब इसको खोल के देखिए, इसकी जो सारी खुशबू है वो अच्छे से अंदर पनीर के अंदर जा चुकी है। तो अगर आप इसको खा के देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना स्मोकी, एक अलग सा टेस्ट आने वाला है इस पनीर के अंदर, जो आपने रियल में, अगर आपने कभी शाही पनीर भी खाया हो या कोई भी पनीर की रेसिपी खाई हो, इतना अच्छा टेस्ट किसी रेसिपी में नहीं आया होगा जो इस रेसिपी में आने वाला है। तो आप घर पे बना सकते हो, क्योंकि कोरोना हो रहा है, तो इस रेसिपी को बनाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताना।